हुजूर लेने आए। कहा फातिमा चलो मैं लेने आया हूँ। कहा हुजूर नबी की बात मानू के बाप की? हुजूर ने फरमाया तू नबी की मान, बाप लेने आया है, बात किसकी मान है? नबी की। तो कहा हुजूर मेरे नबी का हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम बाहर नहीं रखना, ये मेरे नबी का हुक्म है, अब आप बताएं क्या करूं। हुजूर ने फरमाया मैं बैठ के अली का इंतजार करता हूं, मैं बैठ के अली का। हजरत अली शेरे खुदा कहते हैं मुझे तो रब ने खबर ही ना होने दी कि हुजूर घर में आए हैं, हालांकि सारा कुछ जानते। फरमाते मैं घर आया तो नबी पाक को दीवार से टेक लगाए बैठा, बैठे देखा कच्ची जमीन पे, हुजूर जमीन पे तामत समेटे बैठे हैं और अपने दोनों घुटनों को नबी पाक ने हाथों के साथ कोहनियों के साथ समेटा हुआ है और हुजूर अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। हजरत अली कहते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ तो परेशान हो गया, हुजूर आप यहाँ? फरमाया आ जा यार, आ जा, तेरा इंतजार कर रहे थे, आ जा तेरा इंतजार हो रहा था। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किस बात पर? हजरत अली कहने लगे हुजूर किस बात पर? फरमाया फातिमा को लेने आया था, वो कहती है अली की इजाजत के बगैर जाना ही नहीं, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, तू आए तो ले जाऊ। तो जनाब अली शेर खुदा कहने लगे फातिमा मैं हुजूर को इजाजत दूंगा? तो नबी पाक ने फरमाया अली चुप कर जा, ये मेरी तरबियत का नतीजा है, ये मेरे हुक्म का नतीजा है। हुजूर लेने आए। कहा फातिमा चलो मैं लेने आया हूं। कहा हुजूर नबी की बात मानू के बाप की? हुजूर ने फरमाया तू नबी की मान, बाप लेने आया है, बात किसकी मान है? नबी की। तो कहा हुजूर मेरे नबी का हुक्म है कि